मुख्यमंत्री ने जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 18 गांवों की फिरनियों को पक्का करने की दी मंजूरी। हरियाणा सरकार का पूरा फोकस योजनाबद्ध विकास करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजपुर झिरका में घोड़ा पुलिस चौकी फिर होगी स्थापित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास पर फोकस करते हुए घोषणा की कि जिला नूह की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 18 गांवों की फिरनियों को पक्का किया जाएगा, जिस पर करीब 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने नूह जिला के 2 दिवसीय दौरे के बाद नगीना खेल स्टेडियम से हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का पूरा फोकस योजनाबद्ध विकास पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिन 112 पिछड़े जिलों में विकास पर विशेष फोकस करने का बीड़ा उठाया है, उनमें हरियाणा का नूह जिला भी शामिल है। नूह जिला को विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। सभी पैरामीटर के हिसाब से जिला को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए केंद्र व राज्य दोनों सरकारें प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूह जिला के पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने व लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फिरोजपुर झिरका में जो पहले घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, उसे फिर से स्थापित किया जाएगा। इससे पुलिस को भी गश्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा नूह जिला के कई और क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए पुलिस चौकियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।